लोकल ट्रेनों में भीड़भाड़ के समय रेलवे डिब्बे में चढ़कर मोबाइल चुराने वाले एक चोर को ठाणे जीआरपी ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोबाइल चोर की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मोबाइल चोर का नाम जीशान हैदर अहमद हुसैन सैयद है। रेलवे पुलिस का कहना है कि 31 अक्टूबर को शाम के समय 7:45 बजे इस आरोपी ने फरियादी वारिस अली शाह की मोबाइल चुरा ली और फरार हो गया, लेकिन जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल चोर की पहचान कर ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले भी उसके खिलाफ साकिनाका, मुंबई, कुर्ला व कापूरबावाड़ी पुलिस थाने क्षेत्र में आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि फरियादी वारिस अली शेख जाकिर अपार्टमेंट अमृत नगर कौसा मुमरा ठाणे का निवासी बताया गया है। मोबाइल चोरी होने के बाद उसने इसकी शिकायत रेलवे पुलिस में दर्ज कराई। रेलवे पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें मोबाइल चोर नजर आया। आखिरकार उसकी पहचान कर उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 17,000 मूल्य का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। ठाणे में रिक्शा से यात्रा कर रहे यात्रियों के हाथ से मोबाइल छीनने के 2 मामले सामने आए हैं। इन दोनों चोरी के प्रकरणों में पुलिस थाने में मामले दर्ज कराया गया है। पहले ठाणे के कापूरबावाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा में घटी इस मामले में चीतलसर थाने में मामला दर्ज किया गया है। अभी तक चोर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोनों मामलों की जांच पुलिस कर रही है।